ये तस्वीर एक शख्स की देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात भर नहीं है, बल्कि इसमें छिपी है कुछ कर गुजरने के जज्बे की कहानी, कड़ी मेहनत और हार न मानने की जिद। ये हैं मुंबई के रहने वाले अमोल यादव, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद न्योता देकर मिलने के लिए बुलाया। अमोल क्या चीज है, ये इनकी एक जिद से ही साबित हो जाता है। इन्होंने 19 साल की कड़ी मेहनत से अपने घर की छत पर ही 6-सीटर हवाई जहाज बनाकर तैयार कर दिया। देश के इस पहले मेक इन इंडिया हवाई जहाज को DGCA की तरफ से अब उड़ान भरने की अनुमति मिल गई है। अमोल पेशे से कॉमर्शियल पायलट हैं। हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते अचानक इन्हें एक जुनून सवार हो गया हवाई जहाज बनाने का। साल 1995 में अमेरिका में अपने एक दोस्त के साथ इन्होंने एक छोटा सा जहाज खरीदा और उसकी देखरेख के जरिए बनावट और बारीकियां समझी और फिर अपना सपना सच करने भारत वापस आ गए। भारत के पहले हवाई जहाज का सपना कैप्टन अमोल यादव ने अपनी बिल्डिंग की छत पर ही साकार किया। हालांकि पहली दो कोशिशों में वो असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2008 में फिर नई शुरुआत की। मोदी सरकार के आने के बाद जब मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी ही बना ली। इस जुनून के लिए इनकी मां के सारे गहने, पिता और परिवार की सारी जमा पूंजी लग गई और अब तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से ये 6-सीटर हवाई जहाज तैयार है, जिसे सरकार की मदद से धुलिया एयरपोर्ट पर रखा गया है। अमोल का सपना है कि वो छोटे छोटे देसी हवाई जहाज बनाकर रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान ने इनके सपनों को पंख दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इनके साथ 35,000 करोड़ का अनुबंध किया है। इन्हें पाल घर में जगह और एयर स्ट्रिप उपलब्ध कराई गई है, जो विमान विदेशी कंपनियां 1 से 1.5 हजार करोड़ रुपए में बनाती हैं, उसे अमोल 250 करोड़ में ही बनाकर तैयार कर देंगे।